ओमेन चैंडी जी, सैम पिट्रोडा जी, भाइयों और बहनों आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मैं हिंदी में बोलूं अंग्रेजी में बोलूं? हिंदी। तो सबसे पहले मैं आपका, आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। दुबई की जो सक्सेस है, एमिरेट्स की जो सक्सेस है, यहां जो प्रगति हुई है, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट बने हैं, मेट्रो बनी है, ये सब आपके बिना नहीं बनाई जा सकती थी। और आपने आपने अपना खून, अपना पसीना, अपना समय इस शहर को, इस देश को बनाने के लिए दिया। और हिंदुस्तान का नाम, हिंदुस्तान की जनता का नाम, हर धर्म, हर प्रदेश, हर जात का नाम आपने रोशन किया है। किसी ने यहां कहा, बड़ा आदमी हमें मिलने आया है। कोई बड़ा आदमी नहीं होता है। मैं बिल्कुल आप जैसा हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने हिंदुस्तान की मदद की, आपने हिंदुस्तान के प्रदेशों की मदद की, हिंदुस्तान की गरीब जनता की मदद की, और आपने ये शहर जो पूरी दुनिया में महान है, दुबई को बनाने का काम किया। मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और आप में इतनी शक्ति है, पूरी दुनिया इस शक्ति को पहचानता है। मैं आपको यहां सिर्फ एक चीज कहने आया हूं, मैं जानता हूं कि आप अपने परिवारों को घर छोड़ के आते हो, मैं जानता हूं कि आपको कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं, आप दिन भर काम करते हो, परिवार के लिए पैसा वापस भेजते हो। और मैं यहां इसलिए आया हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी मुश्किलें हैं, जहां भी हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम आपके लिए मदद करने को तैयार हैं। हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। मैं यहां अपनी मन की बात करने नहीं आया हूं, मैं आपकी मन की बात सुनने आया हूं। और आप घबराइए मत, घबराइए मत, लड़ाई चालू है और हम जीतने जा रहे हैं। दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दरवाजे, मेरा दिल आपके लिए खुला है। जो भी आप मुझसे कहना चाहते हो, मैं सुनने को तैयार हूं, आपकी मदद करने के लिए। आपको और आपके परिवारों को मेरा भरपूर प्यार और मेरी नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद। आप में से अगर कोई कुछ कहना चाहता है, आपका कोई प्रश्न हो या आप कुछ कहना चाहते हैं मेरे लिए, तो हम आपको माइक दे देते हैं। भैया थोड़ा माइक अंदर दे दीजिए। सर नमस्ते। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार पाल उत्तर प्रदेश फैजाबाद से हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, आपका संसदीय क्षेत्र अमेठी है, जो कि हमारे पास में ही है, और मैं यहां आपसे निवेदन करता हूं कि जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, उनके लिए कुछ आप सोचें, उनके बारे में सोचें, उनके लिए कुछ कीजिए। सबसे बड़ी कठिनाई आपकी यहाँ क्या है, जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं? सर, हमारी यहाँ सबसे बड़ी कठिनाई है हमारी सैलरी, हमारे रहने की व्यवस्था,
और हमारे करप्शन और तमाम तरह की कठिनाइयां हैं। तो आप उत्तर प्रदेश वापस जाते हैं? जी सर, जाते हैं उत्तर प्रदेश, अपने घर जाते हैं। कितना कितने कितनी बार जाते हो? सर साल में दो बार, एक बार। और आपके बच्चे और परिवार वहाँ हैं? जी हाँ, मेरी पूरी फैमिली वहाँ है। अच्छा। मेरे भाई हैं, बहन है, माँ है, पिताजी हैं, मेरा बेटा है, वाइफ है, सब लोग हैं। अच्छा जी। और बेटा क्या कर रहा है? बेटा सर अभी छोटा है, 14 साल का, स्टडी। अच्छा, पढ़ाई कर रहा है? जी हाँ जी। ठीक पढ़ाई हो रही है? जी सर ठीक पढ़ाई हो रही है। ठीक, हमारा चुनाव में हमारा मैनिफेस्टो बनेगा। जी मैं चाहता हूं, और सैम पिट्रोडा जी मैनिफेस्टो का काम कर रहे हैं। जी सर, मैनिफेस्टो में जी जो आपकी कठिनाइयां हैं, आपकी मांगे हैं जी, हम अपने मैनिफेस्टो में डालना चाहते हैं। सर हमारा एक निवेदन और है आपसे। हाँ। इंडिया के लिए मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, अपने क्षेत्र के लिए। ठीक है, मगर एक सेकंड में मैनिफेस्टो की थोड़ी बोलना चाहता हूं। जी मैनिफेस्टो में हम आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है सर, और हम समझना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार आपके लिए क्या कर सकती है। जी सुनो सुनो, नहीं नहीं, वो वाली नहीं, जो अगली सरकार आएगी। राहुल गांधी। तो मैं समझना चाहता हूं कि हम मैनिफेस्टो में क्या डालें, इसलिए मैं सैम पिट्रोडा जी से कहूंगा जी कि वो आपके साथ चर्चा करके, डिस्कशन करके जी, जो आपके सबसे बड़े इश्यूज हैं जी, वो हम अपने मैनिफेस्टो में डालें, जिससे हम आपकी मदद कर पाए। ठीक है सर, और आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आप सैम पिट्रोडा जी से मिल लीजिए जी, और हम खुशी से आपके साथ काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। वो हो जाएगा। हेलो सर, मेरा नाम अमित कुमार है। हाँ जी। मैं उत्तर प्रदेश से गोरखपुर जिला का हूँ। भैया कहाँ हैं आप? हाँ ठीक है, बताएं। सुनिए जरा शांति से। हाँ सर, मैं गोरखपुर जिला का हूँ। हाँ जी। मैं योगी आदित्यनाथ के शहर का हूँ, लेकिन वो मेरे लिए कुछ नहीं किए। जो कांग्रेस किया वो भाजपा सरकार नहीं कर सकता है। अच्छा, आप यहाँ कितने समय से हो भैया? हाँ सर। आप कितने समय से हो यहाँ? मैं सर 1 साल से हूँ। 1 साल से हो? हाँ सर। और पहली बार 1 साल पहले आए? हाँ पहली बार आया हूँ सर। कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है सर। बहुत सुंदर है ना? हाँ सही है सर। ठीक है, और कितने घंटे काम करते हो? सर 12 घंटे। अच्छा, और क्या कठिनाई है आपके सामने? यहाँ पे सर वही सैलरी का जो बताया मेरा भाई, वही समस्या है हमारी भी, सेम समस्या। और आपका भी परिवार उत्तर प्रदेश में? जी सर। बच्चे कितने हैं? सर 2 बच्चे हैं। क्या नाम है? एक का नाम परी है और एक का नाम मारुषी है। अच्छा, और पढ़ाई हो रही है? हाँ सर, अभी अभी छोटे बच्चे हैं। छोटे हैं। हाँ। अच्छा, और आप घर जाते हो? अभी तो नहीं गया सर, अभी छुट्टी मिलेगी तब जाएंगे ना। अच्छा। हाँ। वापस जाओगे तो दिल्ली से जाओगे तो मुझसे मिल के चले जाना। ठीक है सर। ठीक है, सर नमस्कार। राहुल जी नमस्कार। दुबई में आपका सभी अप्रवासी भारतीयों की तरफ से आपका स्वागत है। धन्यवाद सर जी। हमारे लोग का सबसे बड़ा इशू है कि हमको कभी कभी एजेंट हमसे ठगी कर लेते हैं। अच्छा, वह सबसे बड़ा इशू है। सैलरी कुछ कंपनियों में सैलरी डिले हो जाती है। हाँ। तो वही हम आपसे रिक्वेस्ट है कि एजेंट जो हमको वहाँ से एजेंट हम चीटिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं। हाँ। तो मैं मुंबई के थाने से सिटी से हूँ। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ की जो एम्बेसी हमारी, वो आपकी मदद करती है? नहीं सर, जैसे कि है कि वो सैलरी उधर एग्रीमेंट होता है 1200-1500 का, इधर मिलता है 800-900-1000। सबसे बड़ा इशू सर एजेंट चीटिंग करते हैं। एजेंट का है? जी सर जी, सबसे बड़ा इशू है ये सर जी। ठीक है, और थाने में आपके आपका परिवार है? जी जी, थाने में है, वहाँ के कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मनोज सिंधे जी है। अच्छा जी जी सर जी, मैं वहाँ का पहले वार्ड अध्यक्ष था थाने रामनगर में। अच्छा जी सर जी, बहुत अच्छा लगा आप आपसे बात करके। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा भैया, मैं आपके कमरे देखना चाहता हूँ, कमरे देख सकता हूँ? सर माय नेम इज श्रीनिवास, मेरा अमरावती एपी। अमरावती? हाँ अमरावती सर, मेरा इधर का काम किया, थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है मेरा को, ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। अमरावती का एपी का स्पेशल टाइटस आपका गवर्नमेंट आया तो फर्स्ट साइन किया तो मेरा दिल खुश है सर,
ये नरेंद्र मोदी जी का बहुत वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, बहुत एक ही काम नहीं है गवर्नमेंट का, पूरा आदमी का एक रुपये पोलवरम प्रोजेक्ट है वो अमरावती का, पूरा वो वैजाग का सेंट्रल जोन और स्टील प्लांट पूरा एक ही का हामी है। पहला 2014 में मेरा दिया वो पेपर के बनाए, वो गांव से अमरावती से विजयवाड़ा से वैजाग से एक ही काम नहीं है। ये 4 साल और 5 साल है बीजेपी गवर्नमेंट आया, इंडिया का 25 साल पीछे गया। भैया देखिए, आपने सवाल उठाया, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। मैंने आंध्र प्रदेश में कहा है जैसे ही हमारी सरकार आएगी वो हम आपका स्पेशल स्टेटस करके दे देंगे। थैंक यू, समय नहीं लगेगा सर। मदियास के सर एक बार सर, मैं कोलकाता से एक आदमी बोल रहा हूँ, इतना लैंग्वेज नहीं है सर, ठीक है। ममता बनर्जी का एरिया का है हम। भैया सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोले। हेलो सर। हाँ, हम कोलकाता से है, वेस्ट बंगाल का है सर। हमारा कंपनी हमको टर्मिनेट कर दिया, अभी तो मुश्किल है। हमारे एक बच्चा का नाम है सकलाइन हुसैन और एक बच्ची का नाम है तमन्ना। तो अच्छा। वो अभी बच्चा जो है बी ए सेकेंड ईयर में और बच्ची जो है वो क्लास 10 में है। तो उसका 596 उसका नंबर मिला। हम बेरोजगार हो गए सर, हम क्या करेगा अभी। कोलकाता में हम लोग हैं, हमारा काम नहीं है सर। आपका सरकार, हमें बचपन से बाप और दादा का जमाना से हम लोग कांग्रेस करता है, हाथ करता है। पहले गाय और बच्चा था, ठीक है सर, वही जमाना से हम लोग कांग्रेस करता है। और कांग्रेस जो आएगा ना, और हिंदू और मुस्लिम का फाइटिंग कभी नहीं होएगा, हम लोग सुरक्षित रहेगा सर। ये हम लोग का ये वादा है सर, हम लोग सेफ रहेगा। मुस्लिम लोग है ना सर, हम लोग सेफ रहेगा। हिंदू और मुस्लिम भाई भाई मिलकर रहेगा, ठीक है सर, ये हमारा बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब यहाँ आए, इतना प्यार दिया आपने मुझे, इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। हेलो, अभी सब लोग थोड़ा बैठो, 5 मिनट बैठो, अपने किधर से आप उधर से नहीं निकलो। 5